दोस्तों, माधो सिंह 1960 और 1972 के बीच चंबल के डकैतों में से एक बड़ा नाम था। माधो सिंह ने 1972 के अप्रैल में करीब 500 डाकुओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। आज कहानी चंबल के उस डकैत की, जो कभी फौजी हुआ करता था, लेकिन जिंदगी ने ऐसे करवट ली कि उसने बंदूक थामी और फिर चंबल के डकैतों के अपराध इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा बैठा। दरअसल इस डकैत का नाम माधो सिंह था। लोग इसे बिहड़ का रॉबिन हुड भी करार देते थे, लेकिन माधो सिंह पर दस्यु जीवन में 23 जान लेने और 500 अपहरण के मामले दर्ज थे। माधो सिंह का जन्म आगरा के बघेरेना गांव में हुआ था। पिता ने जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के चलते माधव सिंह नाम रखा, लेकिन बोलचाल में वो नाम माधो सिंह में बदल गया। माधो सिंह बड़ा हुआ और फिर 1954 के आसपास सेना में बतौर हवलदार भर्ती हो गया, जहां उसने मेडिकल कोर में कंपाउंडर पद पर सेवा की। माधो सिंह 1959 में छुट्टी पर गांव आया तो गांव के कुछ दबंगों ने उस पर केस दर्ज करवा दिया। उसके बाद उसे सेना से इस्तीफा देना पड़ा और फिर गांव में ही रहा। फिर उसने एक दवा खाना खोला और लोगों का इलाज शुरू किया। बताया जाता है कि उसी दौरान माधो सिंह की मुलाकात डाकू मोहर सिंह से हुई। पुरानी दुश्मनी से तंग माधो सिंह ने साल 1960 में मोहर सिंह का साथ लिया और बिहड़ों का बागी बन बैठा। फिर कुछ दिनों के बाद माधो सिंह ने अपने ही गाँव के दो लोगों को जान से मार दिया, जिनसे उनकी दुश्मनी थी। उसके बाद माधो सिंह ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जबकि साल 1965 में डाकू मोहर सिंह की मृत्यु के बाद वो शांत हो गया था। उसके बाद साल भर के अंदर ही माधो सिंह ने अपनी गैंग उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी फैला दिया। उस दौरान माधो सिंह की गैंग में दर्जनों राइफल और हथियार हुआ करते थे। साल 1972 में माधो सिंह पर सरकार ने 1.5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन साल 1971 में पुलिस मुठभेड़ में उसके दर्जन भर भरोसेमंद साथी मारे गए तो उसका मन बिहड़ों से हटने लगा। इन 11 सालों के दौरान माधो सिंह के नाम करीब 23 जान लेने और 500 अपहरण दर्ज थे। आखिर में माधो सिंह ने अपने संपर्कों के जरिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण से बात की और साल 1972 के अप्रैल में करीब 500 डाकुओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने के बाद माधो सिंह को जेल हो गई। सजा पूरी होने के बाद वो लोगों को जादू का खेल दिखाने लगा। फिर 10 अगस्त साल 1991 को लंबी बीमारी के बाद माधो सिंह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, चंबल के सबसे शातिर डाकू माधो सिंह की कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारे ऐसे ही दिलचस्प खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।